प्रधानमंत्री आवास योजना को मूर्त रूप देने में मध्य प्रदेश ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वर्चुअल मोड पर यह पुरस्कार प्रदान किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी रिमोट से किया। इस प्रोजेक्ट में 6 राज्यों के 6 शहरों में 1000 आवास बनाए जाना है, इनमें से 1 शहर इंदौर भी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह आवास भूकंप रोधी, पर्यावरण हित और सुविधाजनक होंगे। कनाड़िया एक्सटेंशन स्थित गुलमर्ग परिसर में आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वर्चुअल मोड पर संबोधित किया। कार्यक्रम में सीएम चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों को उपहार दिया है। आजादी के बाद 2020 तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था उसे साकार करने का पूरा प्रयास किया गया है। मोदी है तो मुमकिन है। सरकार ने बिचौलियों को समाप्त कर निर्धनों के खाते में सीधे उनका पैसा जमा किया है। प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश ने पूरा प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में करीब 7,24,000 आवास बनाए जा रहे हैं, इसमें 3 लाख आवास बन चुके हैं। देश में अच्छे कार्य के लिए नगर निगमों में छिंदवाड़ा और नगर पंचायतों में खुरई को पुरस्कृत किया गया है। सीएम चौहान ने दोनों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी रिमोट के माध्यम से किया। इस प्रोजेक्ट में 6 राज्यों के 6 शहरों में 1000 आवास बनाए जाना है, इनमें से 1 शहर इंदौर भी है। जब मकान बनाते हैं तो केवल मकान नहीं बनता, मकान में रसोई घर, मकान में शौचालय, मकान में गैस चूल्हा, मकान में बिजली, मकान में पानी। और एक विशेष बात और कि डीबीटी के माध्यम से सारे बिचौलिए समाप्त, सीधा गरीब के खाते में पैसा जाता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने अपना मिशन पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक आवास हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। 3 लाख आवासों का काम हमने पूरा कर दिया है और 2 लाख से अधिक आवासों का काम प्रगति पर है। हमारा सौभाग्य कि सितंबर 2020 में आपकी गर्मामय उपस्थिति में 1 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों में गृह प्रवेश किया था। इस योजना के अंतर्गत 9 महीने में हमने अनेकों नवाचार किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शेष बचे आवासों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर हम निश्चित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।